यूक्रेन के बीच भारत की बड़ी पहल। यूक्रेन में दवाइयां भेजेगा भारत, करेगा मानवीय मदद। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में भले ही भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, लेकिन उसने मानवीय आधार पर बड़ा दखल देने का फैसला लिया है। सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन मानवीय मदद भेजेंगे, इसमें दवाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। इसके तहत अब तक 1400 लोगों को 6 विमानों के जरिए भारत लाया गया है। इनमें से 4 विमान रोमानिया के बुकारेस्ट से आई है, जबकि 2 विमान हंगरी के बुडापेस्ट से भारत आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि लोगों को निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में लगातार स्थितियां कठिन हो रही हैं, जो चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। हमने अपने अभियान को तेज कर दिया है और लोगों को जल्दी से जल्दी निकालने पर हमारा फोकस है। केंद्र सरकार का कहना है, हमारी ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद से अब तक 8000 भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।